What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. Finally, YFL पर donuts की recipe बना रहा हूँ. बहुत ज़्यादा requests आए थे और बहुत ज़्यादा requests आए थे eggless donuts के लिए. तो eggless donuts होने वाले हैं और eggless करने में ना ये recipe को बिल्कुल भी हमने compromise नहीं किया है. The donuts are going to turn out incredible. एकदम soft, एकदम fluffy और एकदम delicious donuts बनेंगे. अब इस recipe में yeast ज़रूर use करने वाला हूँ और मुझे पता है कि comments में बहुत ज़्यादा ये लोग लिखने वाले कि ईस्ट का रिप्लेसमेंट क्या है. रिप्लेसमेंट ज़रूर दूंगा बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू यूज़ ईस्ट. एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं और एकदम वो सॉफ्ट, एकदम फ्लफी और एकदम डिलिशियस डोनट्स बनते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी टिप विद यू. और इस डोनट की रेसिपी में दो टाइप की आपको ग्लेजेस बता रहा हूँ जो बस एक मिनट के अंदर बन जाती है. 30 सेकेंड लगते हैं एक ग्लेज बनने में. एक OG क्लासिक ग्लेज और एक चॉकलेट ग्लेज. तो दो ग्लेज बताऊंगा आपको और फिर बाद में आप चाहें तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिंग्स के साथ ये डोनट्स को सर्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले एगलेस डोनट्स का डो कैसे तैयार करना है वो देख लेते हैं. डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिए. ये एक्टिव ड्राई ईस्ट नहीं है, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है. इसके बारे में आपको बताता हूँ. तो एक बोल में 1/4 कप गुनगुना दूध ले लीजिए. साथ ही में 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून पानी आपको ऐड करना है. अब इसमें आपको चीनी ऐड करनी है. हम डोनट्स के डो के लिए जो चीनी यूज़ करने वाले हैं 1/4 कप पाउडर्ड शुगर है, उसी में से 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर यूज़ कर रहा हूँ. बाकी का हम डो में यूज़ कर लेंगे. अब आपको दूध, पानी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है. एक बार आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तब इसके अंदर आपको इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ऐड कर देनी है जो हमने 1/2 टेबल स्पून ली है. अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इंस्टेंट ड्राई ईस्ट जो है वो डिजॉल्व हो जाए इस मिक्सचर के अंदर. इंस्टेंट ड्राई ईस्ट जो होती है उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है. तो बस अच्छे से स्टर करके इसको डिजॉल्व कर लेना है और फिर इससे हम आटा जो है गूंद पाएंगे. तो आप देख सकते हो जो ईस्ट है हमारी वो डिजॉल्व हो गई है. ये हमारा जो मिक्सचर है ईस्ट का वो रेडी हो गया. एक बड़े से बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए एक छन्नी ले लीजिए. 2 कप्स इसमें मैदा ऐड कीजिए. जो चीनी हमने पहले मेजर करके रखी थी उसे ऐड कर दीजिए. साथ ही में 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है. सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लीजिए और इस बड़े से बोल में ऐड कर दीजिए. सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद बीच में आपको एक हल्का सा वेल बना लेना है. अब इसके अंदर 1/4 कप आपको दही ऐड करना है. हल्के हाथों से दही को मिक्स कर लेना है पहले मैदे के साथ. एक बार आपने दही को मिक्स कर लिया हल्का सा मैदे के साथ तब इसमें जो ईस्ट वाला हमारा मिक्सचर था वो पूरा का पूरा आपने ऐड कर देना. सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद आपको पहले इसको एक साथ ले आना है. जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो एकदम एक साथ कंबाइन हो जाने चाहिए. इस स्टेज पर आपको गूंदना नहीं है, बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है. आपने एक बार मिक्स कर लिया, एक शैगी डो यहाँ पर तैयार हो जाएगा. ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं लेकिन अभी इस स्टेज पर चिपचिपी हैं. तो इन्हें हमें अभी स्मूथ करने के लिए, नॉन स्टिकी बनाने के लिए अच्छे से गूंदना है, जिसके लिए से आप एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से यहाँ पर आपको अभी गूंदना है लगभग 8 से 10 मिनट के लिए. या जब तक कि आपका डो अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है तब तक इसे अच्छे से आपको गूंद लेना है. तो गूंदने के लिए आप एक हाथ से डो को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और वापस लेके आएंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे कि हमारे डो के अंदर जो ग्लूटेन है वो अच्छे से फॉर्म होना चाहिए. लगभग 8 मिनट 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो डो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम स्ट्रेची हो जाएगा और एकदम नॉन स्टिकी हो जाएगा. आप देख सकते हो डो हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है. इस स्टेज तक आपको इसे गूंद लेना है. एक बार आपने इसे इस तरीके से गूंद लिया है अब इसके अंदर हमको बटर इनकॉर्पोरेट करना है. यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड सॉफ्टेंड बटर है, नरम बटर है. तो आधा आधा करके डालेंगे. पहले 1 टेबलस्पून डालना है, उसके बाद आपको डो को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फिर से गूंदना है ताकि बटर जो है वो कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाए हमारे डो के अंदर. आटे के अंदर जो बटर है वो अच्छे से घुल जाना चाहिए, बिल्कुल भी बटर आपके हाथों पे लगना नहीं चाहिए. तो एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया फिर बचा हुआ मक्खन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कीजिए. सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है जब तक कि बटर जो है अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाए डो के अंदर, तब तक इसको फिर से गूंद लेना है. आप देख सकते हो इसको फिर से गूंदने के बाद बटर जो है अच्छे से सोक कर लिया हमारे डो ने, अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया बटर. बाकी का जो भी मक्खन है वो हमने अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लिया. अभी चेक करने के लिए कि हमारा डो रेडी हुआ है कि नहीं, आपको हल्का सा डो ऐसे इस तरीके से लेना है और उसको ऐसे स्ट्रेच करना है. इसको ग्लूटेन विंडो कहा जाता है. एक ट्रांसलूसेंट सी, हल्की सी, ट्रांसपेरेंट सी आपको विंडो देखनी चाहिए. लाइट उसके थ्रू पास होनी चाहिए और क्रैक नहीं होनी चाहिए. अगर ये फटाफट से फट जाए इसका मतलब है कि आपका जो डो है वो तैयार नहीं हुआ है, इसको आपको फिर से गूंदना है. तो
अगर ये फट जाए तो इसको फिर से 2-3 मिनट गूंदिए। गूंदने के बाद फिर से आपको चेक कर लेना है इस तरीके से, जब भी आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये विंडो बन जाएगी, ये फटेगी नहीं, यानी कि आपका डो तैयार हो गया। एक बार आपका डो तैयार हो गया तो इसका एक बड़ा सा डो बॉल बना लीजिए, एक बोल ले लीजिए, उसको हल्का सा ग्रीस करके इस डो को उसमें प्लेस कर दीजिए। डो को भी एकदम हल्का सा ऊपर से तेल से ग्रीस करना है और फिर एक क्लिंग रैप से इसको अच्छे से रैप कर देना है। क्लिंग रैप लगाने के बाद इसे हम एक वार्म जगह पे रख देंगे। मैं अपने बंद अवन के अंदर इसको रख दे रहा हूँ और 1 घंटे के लिए, या जब तक ये डबल साइज में हो जाए तब तक इसको आपको प्रूफ करने रख देना है। तो डोनट्स का डो हमने तैयार कर लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो फाउंडेशन है इस रेसिपी की, वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो ईस्ट हमने यूज़ किया है वो है 1/2 टेबलस्पून ईस्ट, यानी कि 6 ग्राम हमने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ किया है। अब मार्केट में मेजरली 3 आपको ईस्ट की वराइटीज़ मिल जाती हैं। एक होती है फ्रेश ईस्ट, दूसरी होती है एक्टिव ड्राई ईस्ट और तीसरी होती है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। जो फ्रेश ईस्ट है वो क्या होता है, बड़ा ब्लॉक लेना पड़ता है और आप कभी कभार बना रहे हो तो बाकी की ईस्ट वेस्ट हो जाती है, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आज मैंने अभी डोनट्स बनाए, अभी फिर कभी बेकिंग करूँगा मुझे पता नहीं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं एक्टिव ड्राई ईस्ट या इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा होता है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ करने का। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के आप ग्रैन्यूल्स देखोगे ना, एकदम छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसे एक्टिवेट करने में आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली इसको मिक्स करके सीधा आप इसको डो में यूज़ कर सकते हो और वो जो ईस्ट है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। जो एक्टिव ड्राई ईस्ट होती है ना, उसको आपको वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सी चीनी डालकर रखना पड़ता है 10 मिनट के लिए, जब तक कि वो फ्रॉथ नहीं आ जाती, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसमें हो क्या जाता है ना, एक्टिव ड्राई ईस्ट ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, डेड हो जाती है, तो कई बार वो फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। सो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट मैंने यूज़ किए, आप भी यूज़ कीजिए, परफेक्ट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब उन लोगों के लिए जो लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि ईस्ट का रिप्लेसमेंट क्या है, तो आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, और वो जो है आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ डालना है। वो जो पानी वाला पहले वाला जो प्रोसेस था वो आप नहीं करेंगे, जो हमने ईस्ट के लिए किया था, आपको उस तरीके से इसका आटा गूंदना है। अब सेम रिजल्ट्स एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे जो आपको ईस्ट के साथ आएंगे, मिलते जुलते रिजल्ट्स आएंगे, बट इसके रिजल्ट्स ईस्ट वाले मच बेटर होंगे। तो आई वुड सजेस्ट ईस्ट यूज़ कीजिए। मुझे पता है थोड़ा सा डर लगता है कि वो बराबर से होगा कि नहीं होगा, लेकिन बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के साथ जो प्रोसेस करने वाले हो, ईस्ट के साथ भी प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। सो व्हाई नॉट यूज़ द एक्चुअल रेसिपी एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन यू आर वर्किंग सो हार्ड ऑन अ रेसिपी। तो ईस्ट यूज़ कीजिए, परफेक्ट रिजल्ट्स आपको आएंगे। अब बाकी की जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो है कि आपको आटे को गूंदना बहुत अच्छे से है, इसको अच्छे से नीड कीजिए, अच्छे से गूंदिए। पहली बार जब भी आप गूंदेंगे 7-8-10 मिनट के लिए, बिल्कुल भी नॉन स्टिकी आपका डो होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नॉन स्टिकी होना चाहिए। उसके बाद ही इसमें बटर इनकॉर्पोरेट करना है। बटर भी आधा आधा इनकॉर्पोरेट कीजिए, नहीं तो स्टिकी हो जाएगा आपका डो, एक साथ डाल दिया आपने मक्खन तो। उसके बाद लास्ट में ग्लूटेन विंडो मैंने आपको जो बताई वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे डो को स्ट्रेच करेंगे उसमें से हल्की हल्की लाइट पास होनी चाहिए और फटना नहीं चाहिए बहुत ईजीली, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो हो रहा है, अगर फट रहा है वो आपका डो, तो उसको फिर से आपको अच्छे से नीड करना है। अगर वो नीड नहीं करोगे तो आपके डोनट्स अच्छे से बनेंगे नहीं, वो क्रैक हो जाएंगे, फट जाएंगे, उसको बराबर से आप शेप नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, लास्ट चीज़ घाई नहीं करनी है, 1 घंटे की प्रूविंग जो है वो बहुत नेसेसरी है। वार्म प्लेस में आपका जो डो है वो डबल साइज़ का हो जाना चाहिए, उसमें वो जो गैस है वो डेवलप होनी चाहिए, ईस्ट जो है वो अपना काम करे, उसको 1 घंटे का समय चाहिए। तो 1 घंटे के लिए इसको प्रूफ कर लीजिए। 1 घंटे बाद जब ये डबल साइज़ का हो जाएगा, आगे का प्रोसेस क्या है, आगे आपको कैसे इसको शेप करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो डो है वो डबल साइज़ का हो चुका है, इसमें गैस इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो इसको आपको बस डी गैस करना है, यानी कि इसको ऐसे दबाकर इसकी गैस निकाल देनी है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म को आपको मैदे से डस्ट करना है अच्छे से। एक बार आपने इसे अच्छे से डस्ट कर लिया है तो आपको जो डो है उसको लेना है और इस प्लेटफॉर्म पर रख देना है। प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद ऊपर भी हल्का सा इसको डस्ट करना है। डस्ट करने के बाद इसको हमें बेलना है अच्छे से। बेल कर एक थिक आपको इसकी एक डिस्क तैयार कर लेंगे। तो बस इसको पलटा पलटा कर आपको बेल लेना है, जब तक कि ऐसे मोटी आपको एक डिस्क नहीं मिल जाए। लगभग इसकी 1-1.5 सेंटीमीटर के बीच में थिकनेस होनी चाहिए। एक बार आपने इसको इस तरीके से बेल लिया है, अभी इसे हमको डोनट के शेप में कट करना है। तो यहाँ पर मैं 2 रिंग मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बड़ी और एक छोटी।
आपको इस तरीके से डोनट कटर्स भी मिल जाते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते यूज करने, इसलिए मैं अलग अलग रिंग्स यूज करता हूँ, बेटर शेप आता है। आपको बड़ा रिंग ले लेना है, उसको हल्का सा मैदे से कोट करना है और फिर आपको डोनट्स को इस तरीके से कट करना है। तो बड़े वाले रिंग से पहले ऐसे इस तरीके से अच्छे से कट कर लीजिए। तो बड़े वाले कटर से आपने एक बार कट कर लिया, अभी छोटे वाले कटर से कट करना है। तो छोटे वाले कटर को भी हल्का सा डस्ट कर लीजिए और फिर बीचों बीच आपको डोनट्स के इस तरीके से कट करना है। एक बार आपने इन्हें अच्छे से कट कर लिया है, उसके बाद रिमेनिंग डो को आपको निकाल लेना है। निकाल कर इसके भी हम डोनट बाद में बनाएंगे, तो इसको ढक कर एक डैम्प कपड़े से रख देना है। ये जो बीच के होल्स है ना, ये डोनट होल्स को भी आप फ्राई करके सर्व कर सकते हो। मैं आज इसे फ्राई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे बाकी के आटे के साथ ही मिक्स कर लूँगा। बाकी के आटे को आपको निकाल लेना है, मिक्स करके इसको हम फिर से रीशेप करेंगे। अब एक बार डोनट्स आपके शेप हो गए हैं, तो एक ट्रे के ऊपर आपको बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर लाइन ट्रे के ऊपर केयरफुली इन डोनट्स को उठाना है और इस तरीके से प्लेस कर देना है। एक डैम्प कपड़े से ढककर रखना है कि इनका ऊपर का जो सरफेस है वो ड्राई नहीं हो जाए। अब बाकी भी जो हमारा डो बचा था, वो डो को आपको रीशेप कर लेना है, फिर से एक डो बॉल तैयार कर लेना और सेम तरीके से इसको बेलना है और कट कर लेना है। और बाकी के जितने डोनट्स आप शेप कर सकते हैं उन्हें आपको शेप कर लेना है। एक बार आपने सारे डोनट्स शेप कर लिए हैं और उन्हें बेकिंग ट्रे पर सेट कर लिया है, अब आपको सेकेंड प्रूफिंग करनी है। तो ये जो बेकिंग ट्रे हमने तैयार की थी डोनट्स के साथ, उन्हें फिर से मैं बंद ओवन के अंदर रख रहा हूँ और यहाँ पर हाफ एन आवर से 45 मिनट्स के लिए आपको सेकेंड प्रूफिंग के लिए डोनट्स को रख देना है। तो डोनट्स को शेप कैसे करना आपने देख लिया। अब डोनट का जो साइज़ है ना, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या साइज़ के डोनट्स बनाने वाले हो। मैंने तो आज प्रॉपर बड़े साइज़ वाले डोनट्स बनाए। खाली आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो बड़ा वाला मोल्ड है, उसके बाद जो छोटा वाला मोल्ड होगा ना, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो पतला सा डोनट नहीं बनाना है, बीच में एक छोटा सा होल होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि एक वो रिंग बन जाएगी और वो फ्लफीनेस नहीं आएगी डोनट के अंदर, और उसको उठाकर आप फ्राई भी नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन के ऊपर साइज़ जो मैंने यूज़ किया है वो मेंशन कर दूंगा। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, हैंडल केयरफुली करना है कि आपने एकदम प्यार से उठाया और प्यार से आपने बेकिंग शीट के ऊपर रखा इसको। अब जो सेकेंड प्रूफिंग है, दैट इज़ फॉर अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, इसको बेंच प्रूफिंग कहते हैं। इसमें होगा क्या कि हमने जो गैस निकाल ली थी ना, जो ईस्ट अपना काम किया था ईस्ट ने, वो गैस फिर से थोड़ी थोड़ी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, फिर से हल्के से फ्लफी हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ढल जाएगा आटा, और फिर उसके बाद हम इसे उठा के फ्राई करेंगे तो और फ्लफी हमारे डोनट्स बनेंगे। तो एक बार आपने सेकेंड प्रूफिंग के लिए रख दिया ना, तो फ्राई करने से पहले डोनट्स को आपको ग्लेज तैयार कर लेनी है, क्योंकि गरम गरम डोनट्स को ही ग्लेज करना होता है। तो ग्लेज कैसे बनानी है दोनों तरीके से, एकदम आसान फटाफट तरीके से बन जाती है, वो देख लेते हैं। अब ओजी क्लासिक ग्लेज के लिए आपको एक छन्नी के अंदर एक कप चीनी ऐड करनी है, पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है, और उसको अच्छे से छान लेना है ताकि गुठलियाँ जो है वो नहीं रहे। एक बार आपने चीनी ऐड कर दी है बोल के अंदर, तब उसमें 2 टेबलस्पून दूध और 1 टीस्पून वेनीला एसेंस या थोड़ा सा वेनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से सारी चीज़ों आपको मिक्स करना है जब तक कि सारी चीज़ें एक साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाए। और ये आप देख सकते हो, हमारी एकदम ओजी क्लासिक ग्लेज रेडी हो गई। ये मेरी पर्सनल फेवरेट ग्लेज है। अब सेकेंड चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए एक छन्नी के अंदर 1 कप पाउडर्ड शुगर और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कीजिए और छन्नी के थ्रू इसको छान लीजिए। अब इसके अंदर 1 चुटकी नमक, 3 टेबलस्पून दूध और 1 टीस्पून वेनीला एसेंस या थोड़ा सा वेनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कीजिए। सारी चीज़ों को सेम तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक सारी चीज़ें एक साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाएं। अरे आप देख सकते हो, हमारी दूसरी ग्लेज जो है चॉकलेट ग्लेज, वो रेडी हो गई है। तो मैंने आपको आज कुछ ही मिनट्स में फटाफट ग्लेज कैसे तैयार करते हैं 2 टाइप की बता दी है। आपने देखा कितना आसान तरीका है, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। आप अगर ये क्वांटिटी जो मैंने आज आपको डो की बताई है और आप दोनों ग्लेज बनाने वाले हो, तो दोनों ग्लेज हाफ हाफ क्वांटिटी की बनाओ, तो वो इनफ हो जाएंगी इतने डोनट्स के लिए। आप अगर एक ही ग्लेज बना रहे हो तो फुल क्वांटिटी आपको बनानी है जो मैंने आज बनाई है ये दोनों ग्लेजेस की, नहीं तो फिर आपकी ग्लेज क्या है बच जाएगी। अब ये 2 ग्लेजेस तो मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा बहुत अलग अलग टॉपिंग, ग्लेजेस, फिलिंग्स डोनट्स के लिए आप बना सकते हो, तो बहुत अलग अलग चीज़ें बनती हैं। मैं फिर कभी और एक जब वीडियो बनाऊंगा तभी आपको दूसरी चीज़ें बता दूंगा। मुझे पर्सनली तो जो एकदम क्लासिक ओरिजिनल ग्लेज होती है ना, उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है डोनट्स, तो मैं तो वही ग्लेज करता हूँ ज़्यादा, और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को भी वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी ग्लेज हमारी तैयार हो गई है, हमारे डोनट जो हैं वो सेकेंड प्रूफ भी हो चुके हैं। अभी उन्हें फ्राई कैसे करना है एकदम परफेक्ट तरीके से, वो देख लेते हैं। तो डोनट्स को फ्राई करने के लिए तेल आपको गर्म कर लेना है। तेल आपका 175 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए।
यानी कि मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। तेल एक बार आपका गर्म हो जाए तो फ्लेम को आपको लो पर रखना है। एक बार आपका तेल रेडी हो जाए तो हम अपने डोनट्स को चेक कर लेते हैं। सेकेंड प्रूफिंग जो हमारी डोनट्स की हो गई, आप देख सकते हो कि ये थोड़े से फिर से फ्लफ अप हो चुके हैं। इन्हें केयरफुली आपको इस तरीके से उठाना है, उठाकर केयरफुली तेल के अंदर ड्रॉप कर देना है। आप एक साथ 2-3 डोनट्स को साथ में फ्राई कर सकते हैं, जितने भी फिट हो जाएं आपके कढ़ाई के अंदर। उसके बाद इनिशियली आपको एक स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा गर्म तेल डोनट्स के ऊपर डालना है, ताकि ऊपर से ये अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर लें। एक बार इन्होंने स्ट्रक्चर होल्ड कर लिया है तो लो फ्लेम पर ही एक साइड से आराम से इसको पका लीजिए। लगभग 1 मिनट लगता है एक तरफ से डोनट को पकने में। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं एक साइड से, तो केयरफुली इनको फ्लिप कर देना है। सारे डोनट्स को फ्लिप कर लीजिए और सेम तरीके से लगभग 1 मिनट के लिए दूसरे साइड से पका लीजिए, या जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक पका लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पका देना है, नहीं तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे बाहर से। वो हल्का सा टेक्सचर बाहर से आना चाहिए और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। एक बार इस तरीके से दोनों तरफ से आपके डोनट ने कलर पकड़ लिया है तो इनको निकाल देना है एक स्ट्रेनर की मदद से, एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने देना है और एक वायर रैक पे इसको ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। एक बार इनमें से एक्सेस ऑयल निकल जाए और इनको आप हाथ लगा सको, ये वैसे टेम्परेचर पे आ जाए, तो पहले मैं यहाँ पर ओजी ग्लेज में इसको क्लासिक ग्लेज में डाल रहा हूँ। बस ऐसे डिप कीजिए, आप पूरा भी ग्लेज कर सकते हैं, मैं आधा ही डोनट ग्लेज कर रहा हूँ। इसको केयरफुली ऐसे निकाल कर इन्वर्ट कर लेना है और फिर वायर रैक पे फिर से प्लेस कर देना है। सेम तरीके से हम चॉकलेट ग्लेज में भी डोनट को ग्लेज कर लेंगे, फिर डोनट को इन्वर्ट कर लेना है और वायर रैक पे डाल देना है। चॉकलेट ग्लेज के ऊपर आप स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर रहा हूँ, बच्चों को अच्छे लगते हैं तो स्प्रिंकल्स ऐड कर दीजिए। और ये आप देख सकते हो हमने डोनट्स को ग्लेज करके रेडी कर दिया। तो डोनट्स को देखा आपने, फ्राई करके ग्लेज करने का भी प्रोसेस जो है एकदम आसान है। सेम तरीके से आपको बाकी के भी डोनट्स को ग्लेज कर लेना है। सेकेंड प्रूफिंग के बाद लगभग 1/2 आवर 45 मिनट्स में आप डोनट्स को फ्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.25 घंटे तक आप वेट कीजिए और उसके बाद आप फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा आपने अगर वेट कर दिया ना, तो फिर वो सेकेंड प्रूफिंग के बाद फ्राई नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो बस 1/2 आवर to 1 आवर या अबाउट 75-80 मिनट्स की विंडो है, उसमें आपको फ्राई कर लेना है डोनट्स को। एक बार आपने फ्राई कर लिया, गरम गरम ही ग्लेज कीजिए, परफेक्ट आपके डोनट्स बनेंगे। और अभी मैं आपको बस प्लेटिंग करके बताऊंगा, फिर बाद में आपको तोड़ कर बताऊंगा। डोनट्स इतने सॉफ्ट एकदम फ्लफी बनते हैं, तो लेट्स प्लेट आवर डोनट्स वाफल स्टाइल। इतने माइंड ब्लोइंग डोनट्स बनते हैं ना ये रेसिपी से, कि आप एक बार जब भी बनाओगे डोनट्स, यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंटिन्यू टू मेक दिस रेसिपी एट होम। परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, एगलेस डोनट्स विद अ सिंपल ग्लेज, यू विल इंजॉय दिस रेसिपी। इफ़ यू आर अ डोनट फैन, ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी अपने घर पे, एंड कमेंट्स मुझे बताना कि रेसिपी कैसे बनी। और जब भी ये डोनट्स अपने घर पे बनाओगे तो मुझे फोटो या वीडियो लेकर स्टोरीज पर अपलोड करना, इंस्टाग्राम पे मुझे DM करना। आई वुड लव टू सी यू कुक द बेस्ट डोनट्स एट योर होम। जल्दी से कोई और ऐसी रेसिपी आपके लिए शेयर करूंगा। अंटिल देन, ट्राई दिस रेसिपी, कमेंट्स मुझे बताओ रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL। Have an amazing time with this beautiful donut recipe at your home. Cheers.